अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे वो मुल्क एक अकादमी के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है और उसके कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। जी, हम बात करेंगे ओमान। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो ओमान में टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जो भी फॉरनर है उसको अलाउ नहीं है कि वो ओमान में टैक्सी ड्राइविंग कर सके, क्योंकि उधर की जो टैक्सी है वो उधर के लोकल ही चलाते हैं, यानी जो कि अरबी लोग हैं वो ही चलाते हैं। इसलिए जो लोकल के अलावा लोग हैं फॉरनर्स, उनको अलाउ नहीं है कि वो ओमान में टैक्सी ड्राइव कर सकें। दूसरी बात ये है कि जो फॉरनर्स हैं उनको क्या ओमान में लाइसेंस मिलता है कि नहीं? जी हाँ, उनको बाकायदा तौर पे ओमान में लाइसेंस ड्राइविंग का मिल जाता है, लेकिन वो जो लाइसेंस होता है वो आप किसी घर पर ड्राइविंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी कंपनी में आप एज अ ड्राइवर काम कर सकते हैं, लेकिन आप रोड पर एक जिस तरह दूसरे ममालक में टैक्सी ड्राइवर होते हैं उस तरह आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ जो वहाँ के लोकल हैं उनको ही अलाउ है। खुदा ना खास्ता अगर आप रोड में ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको उधर के 35 रियाल जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 15,000 रुपये तकरीबन बनते हैं। तो ओमान का जो कैपिटल है मस्कत, उधर पे बहुत ज़्यादा सख्ती है कि अगर आप टैक्सी ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, और अगर आप 2 से 3 या 4 दफ़ा पकड़े गए तो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं। और उसके नस्बत जो उसका एक शहर है सलाला, वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उधर उसकी नस्बत कम सख्ती है, और उधर आप अगर पकड़े जाएँ तो वो आपको कभी तो जुर्माना करते हैं और कभी वो आपको छोड़ देते हैं। ज़्यादातर जो फॉरनर हैं उन्होंने जो अपनी टैक्सीज हैं उनको घरों पे लगाया हुआ है, यानी जो अरबियों के बच्चे हैं उनको स्कूल में लेके जाते हैं, स्कूल से वापस लेके आते हैं, और या उनकी जो लड़कियां वगैरह होती हैं जो ऑफिस वर्क करती हैं या किसी शॉपिंग मॉल में, या उन्होंने कहीं जाना हो तो उसके लिए ज़्यादातर जो फादर्स हैं वो उनको ले कर कैन ड्राप का काम करते हैं, तो वो भी ठीक है एक तरह से। लेकिन जो अरबी लोगों ने अपने घर में मुश्किल तौर पर ड्राइवर रखे होते हैं उनकी बेसिक सैलरी जो है वो 150 रियाल होती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 60,000 रुपये बनता है, और उनको साथ में ये बेनिफिट होता है कि उनको खाना पीना रहायश वो सारा कुछ उनके ज़िम्मा में होता है। और जो एक चीज़ वो ये है कि वो आपको रात के 2 बजे 3 बजे जब भी आपको उन्होंने आवाज़ देनी है आपको जाना पड़ना है, तो ये इस तरह से ये काफ़ी मुश्किल एक ड्यूटी बन जाती है कि आप अगर नींद में हैं तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा। अब ओमान में जो बड़े ट्रक ड्राइवर होते हैं, मतलब जो बाई व्हीलर या उससे बड़े जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास हैवी HTV लाइसेंस होता है, उनकी जो सैलरी होती है वो उनकी 200 से लेकर 300 रियाल के दरमियान में होती है, ओवर टाइम लगा के उनका तकरीबन 300 बन जाता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,00,000 से ऊपर बन। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।